प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चनों के साथ आपको एमसीक्यू को इलिमिनेट करने की टेक्निक भी बताता हूं। इस सीरीज में हाल ही में अभी हम लोगों ने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी समाप्त की है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सीरीज में एमसीक्यू के साथ साथ जो इलिमिनेशन टेक्निक बताया जाता है, वो चूंकि मैंने बार बार एक्सपीरियंस किया है, बार बार मैंने प्रीलिम्स को पास किया उसी टेक्निक के साथ, वह इस सीरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको बिना जाने आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इसके आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आप लोगों ने EWS के बारे में जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है वो जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन प्रश्नों को इलिमिनेट कैसे करना है और कम जानकारी के बावजूद प्रश्नों को इलिमिनेट कैसे करना है, आइए वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कि अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में संशोधन करके 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10% EWS कोटे का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया। दूसरा स्टेटमेंट, एस आर सी आयोग की सिफारिश के आधार पर EWS आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तीसरा, केंद्रीय सूची में नहीं आने वाले ओबीसी EWS के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, ये जो प्रश्न बनाए गए हैं बेसिकली पिछले वर्षों के जो यूपीएससी के प्रश्न रहे हैं उसके एग्जैक्टली ट्रेंडिंग कॉपी करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप लोग एग्जैक्टली यूपीएससी के जैसे प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक सीख सके। इसमें देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में रिपीट किया है कि उसमें एक इररिलेवेंट ऑप्शन दिया गया है। यहां पर देखिए, थर्ड ऑप्शन, केंद्रीय सूची में नहीं आने वाले ओबीसी, क्या ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है ये ओबीसी के लिए दिया गया है? नहीं, ये हर बच्चा जानता है, हर तैयारी करने वाला बच्चा जानता है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है ये ओबीसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये बल्कि जनरल कम्युनिटी के लिए है, और उसको, और ये निगेटिव सेंटेंस भी है। तो दो दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक तो इररिलेवेंट फैक्ट और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट। अगर ये दो दो ऐसे चीजें एक स्टेटमेंट में है तो यह स्टेटमेंट निश्चित रूप से गलत हो सकता है। अगर हमने तीन को गलत माना तो तीन अगर गलत है तो देखिए आपका सीधा आंसर निकल गया केवल दो। लेकिन फिर सोचते हैं कि तीन तो है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ऐसा क्या है जो कि जहां से कि हम उसको गलत ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है कितने फैक्ट हैं, एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, चार फैक्ट, पांच फैक्ट, 10% EWS। किसी भी एक स्टेटमेंट में दो से अधिक अगर फैक्ट हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें से कोई ना कोई एक फैक्ट निश्चित रूप से गलत होगा। ठीक है, तो यहां तो पांच पांच फैक्ट है, अब कौन सा फैक्ट गलत होगा ये आपको भले नहीं पता, लेकिन अगर दो से अधिक फैक्ट है तो मैक्सिमम संभावना है कि उसमें से एक कोई फैक्ट जरूर गलत होगा। अब यहां पर जो गलत फैक्ट है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यहां पर देखिए, जो आर्टिकल 15(6) है और आर्टिकल 16(6) है, इसमें संशोधन करके जो बात की जा रही है बेसिकली यही पर गलत है। गलत क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया है वो संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके इसमें दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? वो आर्टिकल हैं 15(6) और 16(6), ये दो नए आर्टिकल संविधान में जोड़े गए, अर्थात ये दोनों नए आर्टिकल हैं, इनमें संशोधन नहीं किया गया है बल्कि संशोधन 15वें और 16वें अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा और ध्यान से नहीं देखेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है,
अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। अब उसमें 15 छह और 16 छह पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि नहीं 15 और 16 का ही है पाठ्यक्रम में तो संशोधन किया ही गया है, तो यहां वो गलती कर जाता और ब्लंडर गलती कर जाता। ठीक है, तो इसीलिए माइन्यूट स्तर पर क्या गलतियां हो सकती हैं, इससे बचने के लिए जैसे ही दो से अधिक फैक्ट मिले आप तुरंत चौकन्ने हो जाए कि नहीं, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर है, तो अब उस गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ये एक सर्वे किया गया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 का सर्वे है और स्टडी से जुड़ा हुआ सर्वे है, तो यहां पर पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि ये एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ सर्वे है। कह रहा है कि FLS सर्वे एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन, प्रथम एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, मूलभूत शिक्षा में दो मुख्य स्तंभ शामिल है, पहला मूलभूत साक्षरता और दूसरा मूलभूत अंक ज्ञान, जो एक बच्चे से कक्षा 3 तक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। तीसरा, तमिलनाडु ने FLS सर्वेक्षण में खराब प्रदर्शन किया है। चौथा, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक NEP 2020 के प्रमुख विषयों में एक है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ऊपर दिए प्रश्न में से कौन सा सही है। देखिए अब गलत खोजना है आपको, प्रश्न पूछ रहा है सही लेकिन खोजना क्या है गलत, ताकि आप उसको इलिमिनेट कर सके। और ये भी यही टेंडेंसी हमेशा रखिएगा, आपको गलत ही खोजना है, आपको सही नहीं खोजना है, गलत खोजिएगा तो ऑप्शन इलिमिनेट होंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी कौन करता है, प्रथम नाम का एक एनजीओ करता है, तो प्रथम क्या है एक नाम है, जैसे ही कोई निश्चित नाम हो गया, यह एक निश्चित फैक्ट है नाम है, हो सकता है प्रथम के स्थान पर कोई और हो, या हो सकता है कि प्रथम के स्थान पर कोई सरकारी मंत्रालय हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, तो जैसे ही कोई नाम दिख गया यह एक निश्चित फैक्ट, और निश्चित फैक्ट गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो यहां पर प्रथम अगर दिया तो यह गलत अगर आपने माना, तो देखिए यह अभी ऑप्शन सारे खत्म हो गए और आपका आंसर आ गया सी 2 3 4, इसका मतलब कि सेकंड 3 और 4 सही है। अब 3 स्टेटमेंट दिया है, तमिलनाडु ने इसमें खराब प्रदर्शन किया है। अब बहुत सारे बच्चों को यह लग सकता है कि तमिलनाडु ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, इसमें यह नहीं कहीं लिखा गया है कि सबसे खराब। ठीक है, समझना है, टेक्निक समझने हैं, ट्रिक समझने हैं, एग्जामिनर्स के माइंड को पढ़ना है। अगर सबसे खराब लिख दिया होता, यहां पर सबसे लिख दिया होता, तो फिर यह एक हार्डकोर फैक्ट बन जाता। ठीक है, लेकिन इसने लिखा है खराब प्रदर्शन किया है, खराब प्रदर्शन किया है में, अब इसका रैंक नहीं पता है खराब प्रदर्शन, इसका मतलब एक हो सकता है सभी भारतीय राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया हो, कोई भी राज्य उस पैमाने पर खरा नहीं उतरा हो। ठीक है, तो खराब प्रदर्शन किया है या अच्छा प्रदर्शन किया है, सिर्फ यह अगर स्टेटमेंट में होगा तो मैक्सिमम केस में यह स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, लेकिन अगर यह आ जाए कि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन किया है, तो फिर यह स्टेटमेंट गलत होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखना है। देखिए यहां पर शिक्षा मंत्रालय और NCERT इन दोनों ने मिलकर के ये सर्वे करवाया है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सर्वे, और इसमें पता चला है कि तीसरी कक्षा के 11% जो छात्र हैं इनमें बुनियादी गणित कौशल की कमी है, और लगभग 37% छात्रों के पास सीमित ज्ञान और कौशल है। तमिलनाडु ने खराब प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3% जो 3 क्लास के बच्चे हैं वो शब्दों को पहचानने में, अंकों को पहचानने में भी असफल हो रहे हैं, और कितने परसेंट बच्चे, 11% बच्चों को तो अंक भी पहचानना नहीं आता है। अंक पहचान, कक्षा 3 क्लास के 11% बच्चे अंक भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ये 11 लिखा है, 25 लिखा है, ये अंक नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये कमी है हमारे देश के एजुकेशन में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार विवाद अधिनियम 1929, व्यापार विवाद अधिनियम 1929। देखिए इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, देखिए एक प्रश्न, ये प्रश्न जो है बेसिकली मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सॉरी, और आप सभी जानते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे कि रुकनाबाई विवाद
संबंध करके ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था 2020 या 21 में। तो उस प्रश्न को देख करके बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा था कि वो लगभग न तो कोई आपके जो आप किताबें पढ़ते हैं ना वो उस किताब में उसकी चर्चा थी ट्रेडिशनल किताबों में, और न ही आपको किसी टीचर ने पढ़ाया। तो ऐसे में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें बच्चों के सामने बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। तो लेकिन फिर भी उस प्रश्न को जो स्मार्ट स्टूडेंट थे उन्होंने इलिमिनेट कर लिया। तो आइए इसी प्रश्न को अब देखते हैं। चूंकि आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा जरूर होगा, लेकिन व्यापार विवाद अधिनियम 1929 अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने जो एक्ट पारित किया इसके बारे में पढ़ा होगा, ये बहुत कम संभावना है। तो क्या है ये प्रश्न? पहला स्टेटमेंट की सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़तालों को अवैध बना दिया जब तक कि हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे प्रत्येक कर्मचारी ने प्रशासन को 2 महीने की अग्रिम सूचना नहीं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हड़ताल करना है तो आपको सरकार को 2 महीना पहले अग्रिम सूचना देनी होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्डों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। अब जैसे ही आपने पढ़ा इसमें एक डिजिट मिल गया। डिजिट क्या मिला कि 2 महीने की अग्रिम सूचना। जैसे ही डिजिट दिखे यूपीएससी के प्रिलिम्स के एग्जाम में आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है, क्योंकि वह डिजिट मैक्सिमम केस में गलत होने के लिए संभावित होता है। जैसे दे दिया जाए 2 महीने, 4 महीने, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 1987, 1295, ऐसे अगर शब्द दिए हो, ऐसे अगर डिजिट दिए हो तो यह डिजिट बहुत अधिक संभावना है कि गलत होते हैं। तो यहां 2 महीने की अग्रिम सूचना नहीं दी। जैसे ही अगर आपने इसको गलत माना, पहला को आपने अगर गलत माना, तो आपके 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए और अब आपके सामने ऑप्शन नंबर केवल 2 या फिर केवल 2 और 3। अब एक बात और कि पिछले क्लासों में मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जब भी यूपीएससी ऐसा ऑप्शन दे देता है कि जब भी ऑप्शन में या तो केवल 2 या फिर मतलब कोई एक केवल और दूसरे ऑप्शन में वह भी होता है और उसके अलावा एक और कोई ऑप्शन शामिल होता है, तो ऐसा मैक्सिमम केस में देखा गया है कि जो 2 ऑप्शन वाला आंसर होता है वो अधिक केस में सही होता है। इसका मतलब है कि केवल 2 और केवल 2 और 3 में से मैक्सिमम संभावना है कि केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ मेरे बताने पर नहीं करेंगे आप लोग, आप लोग खुद भी यूपीएससी के पीवाईक्यू को देख करके उसको एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। आप मैक्सिमम केस में यही पाएंगे। तो यहां पर भी केवल 2 और 3 सही है। बेसिकली व्यापार विवाद अधिनियम के बारे में बता करके मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यहां पे देख लीजिए ये क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि यहां पर दिया गया है कि आपको कितने समय, तो यहां कहीं आपको 1 महीना दिया गया होगा, 1 महीने की अग्रिम सूचना। आपको हड़ताल करने से पहले 1 महीने की अग्रिम सूचना देनी होगी। इसका मतलब है कि 2 महीने का जो डेटा था ये गलत था। तो ऐसे ही हिस्ट्री के अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो कि एक्सट्रीम रूप से किसी को कहीं पढ़ने को नहीं मिले हो, तो आप जरूर सोचिएगा कि इसका मतलब है कि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई ट्रिक जरूर दिया गया होगा सॉल्व करने, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वहां पर नॉलेज की डिमांड नहीं करता है बल्कि आपसे वहां पर स्मार्ट होने की डिमांड करते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, कि नए क्वेश्चन जो कि जिनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते क्या उनको टैकल करने का रिस्क लेते हैं। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एटक के बारे में तो भाई यहां से तो प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से यह जुड़ा हुआ है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी स्थापना 1920 में हुई और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष के रूप में थे। तीसरा, एटक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की संस्थापक सदस्य है। इसका मतलब है कि जो भारत की संस्था है एटक, जिसमें जब वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड यूनियन बनाई गई तो उसमें भी पार्टिसिपेशन किया। चौथा, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में एटक के गठन का स्वागत किया। अब देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी,
बहुत सारे फैक्ट भी मिले, लेकिन एक ऐसा फैक्ट मिला जो कि हार्डकोर रूप से फैक्ट था, क्या? अहमदाबाद अधिवेशन। कह रहे कौन सा सही है? अहमदाबाद अधिवेशन, इसका मतलब कोई एक नाम दे दिया गया। अहमदाबाद के स्थान पर सूरत हो सकता है, गया हो सकता है, कोई और हो सकता है, नागपुर हो सकता है। तो जैसे ही कोई निश्चित नाम यहां पर भी दिख गया, बाकी सभी स्टेटमेंट्स अगर आपने पढ़े हैं एटक के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1924 में की गई थी, एम एन रॉय के प्रयासों से हुई थी भारत में, और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, दूसरे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे, बाद में हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी बाद में इसके अध्यक्ष बने। तो एटक एक संस्था थी जो कि भारत में जो मजदूर थे, मजदूर यूनियन बनाने के तौर पर यह एक संस्था गठित हुई थी मजदूरों की भलाई के लिए, और 1920 में स्थापना की गई। और कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन अगर आपने गलत माना, तो चौथा अगर गलत किया तो यह कट गया, यह कट गया, यह कट गया, और आपका आंसर निकल गया 1, 2, 3। अब आप जान लीजिए कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1922 में एटक के गठन का स्वागत किया गया, ठीक है। बाकी सभी फैक्ट सही है कि स्थापना 1920 कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी स्थापना का स्वागत 1921 के अधिवेशन में नहीं किया गया बल्कि 1922 के गया अधिवेशन में किया गया था। यह फैक्ट यूपीएससी भी जानता है कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ते समय थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि 1920 में एटक की स्थापना हुई तो 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ होगा वहीं पर उसकी स्थापना का स्वागत किया होगा, लेकिन नहीं, एक साल का गैप है। और यही यूपीएससी के लिए ट्रिक बनेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज कराने के लिए। तो इन सब कोर ट्रिकों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है डीएनटीस। डीएनटी का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना हाल ही में समाचारों में देखी गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है भाई, इसे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा रहा है और प्रत्येक आवेदक को एक विशिष्ट आईडी जारी किया जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरा, डी नोटिफाइड घुमंतु और अर्ध खानाबदोश समुदाय के लिए एक विकास और कल्याण बोर्ड को इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, हो सकता है कि आपने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी जनजातियां थी जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारत में क्रिमिनल जनजातियां घोषित कर दी थी, क्रिमिनल घोषित करके और समाज से दूर पहाड़ों और जंगलों में बसने के लिए छोड़ दिया था, और उन्हें समाज में मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसे अंग्रेज क्रिमिनल और कुख्यात मानते थे, तो उन्हीं को उन्होंने डी नोटिफाइड ट्राइब्स कह दिया। भारत में अब चूंकि स्वतंत्र सरकार ने उनको भाई समाज से जोड़ना है, वेलफेयर करना है उनका, हमारे लिए तो वो कुख्यात थोड़े थे, वो तो उनके लिए अंग्रेजों के लिए कुख्यात थे, हमारे लिए तो वो क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है। तो उनके लिए सरकार एक प्रयास कर रही है, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। अब यहां पर पढ़ने के बाद हमें जो समझ आया, बहुत कम समझ में आया, लेकिन हमें यह जरूर समझ में आया कि यहां पर मंत्रालय की बात की जा रही है कि इसके लिए कार्य किसको सौंपा गया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, ठीक है। बहुतों को लग सकता है कि भाई जनजातीय मामलों का मंत्रालय है तो सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही मंत्रालय दिखे, भाई यहां कुछ लोचा है, गलत होगा। आइए दिखा देते हैं आपको, अगर आपने दो को गलत माना तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा 1, 1, 3, और इसमें से आपको पता ही है कि मैक्सिमम वाला सही होता है। ये आपको ट्रेंड बताया जा रहा है कि यूपीएससी वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको, मंत्रालय कौन सी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ठीक है, मैं हट गया हूं। आप लोग देख सकते हैं कि 1871 के आपराधिक जनजातीय अधिनियम से अंग्रेजों ने 1871 में ही इनको क्या घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी घोषित, कि भाई जो भी इस जनजातीय समाज में जन्म लेते हैं वो जन्मजात अपराधी, इतने कुख्यात थे अंग्रेज तो। लेकिन मंत्रालय क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लेकिन यूपीएससी क्या देगा, यूपीएससी देगा जनजातीय मंत्रालय। तो यहां आपको भी चौकन्ना रहना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। 2022 और 2021 वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम 2020 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और इसके माध्यम से बताने का यह प्रयास किया जाता है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चनों को कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, यूपीएससी कहां अपने आप को स्कोप देता है क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, भारत में न्यूमोकोकल संजीवनी वैक्सीन इसके उपयोग का क्या महत्व है? भाई वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? वैक्सीन के उपयोग का बहुत अच्छा महत्व होगा, देखते हैं क्या है। यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका सोज और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। अब पढ़ते समय पहले पूरा पढ़ जाइए। पहला है कि न्यूमोनिया, तनिका सोज और सेप्सिस। थोड़ा एक सलाह यह रहेगा कि जब साइंस्टे के क्वेश्चन सॉल्व करें तो साइंस्टे के क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी जरूर पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। तो यहां मेनिंजाइटिस समझ में आ गया, यहां तनिका सोज समझने में दिक्कत होती। सेकेंड स्टेटमेंट, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। मतलब निर्भरता कम की जा सकती है, इसका मतलब कि अच्छा है। थर्ड स्टेटमेंट, इन वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट नहीं है और न ही यह वैक्सीन कोई प्रतिजन संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। थर्ड ऑप्शन, जैसे ही आपने पढ़ा भाई, शरीर में कुछ भी पेंट्रेट होता है, चाहे वो दवा हो, मेडिसिन हो, वैक्सीन हो, कुछ भी अगर जाता है तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट ही नहीं होता है। जैसे ही आपको ऐसा कोई, क्योंकि हमने पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे नहीं पता कि न्यूमोनिया प्रभावी है, तनिका सोज प्रभावी है, सेप्सिस प्रभावी है कि नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऑप्शंस आगे पढ़ते समय, तीसरा ऑप्शन जैसे ही मैंने पढ़ा, ये पढ़ते ही मुझे लग गया कि यह ऑप्शन तो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट, सभी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, किसी का कम होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का और ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है न्यूमोकोकल संजीवनी वैक्सीन का। जैसे ही इसने, ये हार्डकोर स्टेटमेंट है, जैसे ही आपने इस हार्डकोर स्टेटमेंट को पहचाना और गलत मारा, तो क्या है इसका मतलब कि तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये दोनों गायब हो गए और सही उत्तर ढूंढना है। और आपको पता है कि केवल एक और दो में से क्या होता है, जो मैक्सिमम वाला होता है वो सही हो जाता है। तो यहां बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। देखा आपने कितनी आसानी से, साइंस्टिक का प्रश्न है। अब आपने, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो न्यूमोकोकल संजीवनी वैक्सीन के बारे में पढ़ा ही नहीं, कैसे सही होगा। अरे आप प्रश्न को तो पढ़िए, प्रश्न खुद ही अपने आप को इलिमिनेट करने का ऑप्शन देता है। तो साइंस्टिक के प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत अच्छी तरीका यह है कि आप पिछले एक साल का करंट अफेयर तैयार करिए और बाकी इलिमिनेशन टेक्निक पे जाइए, आसानी से साइंस्टिक के प्रश्न भी इलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है भाई कथन? पहला स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्थापना 1998 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मतलब है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP द्वारा की गई थी। सेकंड, IPCC की आकलन रिपोर्ट जिसमें पहली बार 1990 में सामने आई थी, पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। थर्ड, हालिया रिपोर्ट में भारत की पहचान एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में की गई है, कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही। तो अब आपको जलवायु पर IPCC के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनवायरमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय IPCC से प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग भी चौकन्ने होकर के IPCC को तैयार करिएगा। आइए इसको जान लेते हैं। देखिए यहां पर इसकी स्थापना, IPCC की स्थापना कब हुई थी, 1988। तो यहां पर जो वर्ष दिया गया है, कहां दिया गया है, 1990, स्थापना 1988, ये सही है। ठीक है, तो स्थापना 1988 में हुई थी और किसने मिलकर की थी, WMO और UNEP, इन दोनों ने मिलकर के IPCC की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, पता हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं कि IPCC की जो रिपोर्ट आती है, इसमें सभी स्तरों पर सरकारों के लिए एक, अपने जो दुनिया के देश हैं उनके लिए एक संभावना बताता है कि, ये रिपोर्ट बताता है कि आपको अपने देश में जलवायु के संबंध में क्या क्या रिफॉर्म
करने हैं, आपके देश की जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और मूल्यांकन रिपोर्ट पहली बार 1990 में सामने आई थी और इसमें बताया गया था, इसने अब तक 5 नहीं अब तक 6 रिपोर्ट आ गई है, इसकी छठी रिपोर्ट हाल ही में आई है, इसीलिए छठा रिपोर्ट का मेंशन नहीं है इसमें। 1990, 1995, 2000 ये सब नहीं जानने हैं हमें, और 2021 में लास्ट रिपोर्ट आई है, छठी रिपोर्ट। और भारत के बारे में कहा गया है कि भारत नवीनतम रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया है कि भारत एक संवेदनशील हॉटस्पॉट है। इसका मतलब है कि भारत में भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसीलिए भारत को अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम डेली चूंकि 2 क्वेश्चन शामिल करते हैं, आज एक ही कर पा रहे हैं, तो आगे से हम 2 क्वेश्चन इसके भी इंटरनेशनल रिलेशन के भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारी इस सीरीज में जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करते रहें। उससे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।